अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज़ हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैगी भी अच्छी है। और अभी सुबह सुबह हमारे कमरे की हालत देखो क्या हो गई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कर क्या रहे हैं आखिर इधर? कुछ दिनों से ना ये मैट्रेस जो है ना वो एक साइड से ना अंदर घुस गया, उस साइड से। ये देखो मैट्रेस कितना मोटा है, ठीक है? तो ये ना एक साइड से पूरा पिचक गया, उस साइड जहाँ मैं सोती हूँ। तो हमें लगा कि इधर मैट्रेस शायद फिट नहीं है सही से, क्या तो निकाल के भला उल्टा करके रखते हैं। लेकिन क्या देखा कि जैसे ही मैट्रेस को हमने हटाया, ये वाला वुड ना आधा फ्लोर में गिरा हुआ था। मतलब वो ठीक पड़ा था, ये वाला ठीक था, लेकिन ये सेंटर वाला टेढ़ा हो गया। मतलब ये गिरा हुआ था फ्लोर में, ये मैट्रेस बीच से दब रहा था। तो इसलिए अभी हम सही कर रहे हैं। इसका प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये ना इधर से छोटा है, इधर से स्पेस है, तो हम कुछ डाल रहे हैं ताकि स्पेस फिल हो जाए और ये फिट रहे, टाइट हो जाए। तो आज मैंने ना ये वाली ड्रेस निकाली है क्योंकि आज शबे बारात है, तो इसलिए मैं ना ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं बस सारा दिन शलवार कमीज में रहूँगी और बहुत दिनों के बाद ही पहन रही हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। तो अभी ना क्या कहते हैं, आज के दिन तो क्योंकि शबे बारात का दिन है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो शबे बारात। और मतलब मेरी वजह से अगर आप लोगों को कभी भी दुख हुआ हो, उसमें मेरे ख़ानदान भी हो सकता है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जान पहचान के लोग कोई भी हो, तो सबको दिल से माफ़ वैसे बोल रही हूँ, मैं माफ़ कर रही हूँ, मैं भी सबको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपके और मेरे सब्सक्राइबर्स अगर आपको मेरी वजह से कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो मुझे और इमोन को अपनी दुआओं में याद रखना आज के दिन शबे बारात के दिन, और मेरी फैमिली इमोन की फैमिली के लिए भी बहुत सारी दुआएं करना। तो आज का दिन बस ऐसे ही शुरू करते हैं। घर का काम वाम जो है वो सारा निपटा दिया है, घर पूरा साफ हो गया है। और आज के दिन आप लोग ना बहुत सारी इबादत करना। मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि मतलब मैं हमेशा से, हम पाकिस्तान में जब भी होते थे हम नफिल पढ़ते थे, हमेशा नफिल और दुआएं करते थे बहुत। शबे बारात की रात पूरी इबादत की रात होती है, मगफिरत की रात होती है। तो अल्लाह ताला ना इस रात में आपके गुनाह माफ़ कर देता है। तो इस रात में क्या करना चाहिए, आप नमाज पढ़ो, दुआएं मांगो अल्लाह से रो रो के, तस्बीह पढ़ो। बात यह है कि आप रो रो के अल्लाह से दुआ मांगो और माफ़ी मांगो और अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। मतलब कभी कभी हम होते हैं ना कि हमने ये दुनिया में ये गलती कर ली, वो गलती कर ली, इस पे गुस्सा किया, उस पे ऐसा किया, उसको दुख दिया, तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है, रहमतुल आलमीन अल्लाह। तो अभी ना आज का दिन बस ऐसे ही शुरू कर रही हूँ। तो और ये ना नारियल पानी है जो कि इमोन पता नहीं क्यों इसमें लेके आया है इतनी बड़ी बोतल में, पानी बहुत होते हैं यार। तो चलो अभी मैं ये पी रही हूँ। और हेलो मैगी, फ्रूट्स ना बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो इसलिए ना इमोन ने फ्रूट बास्केट ही कमरे में रख दी, क्योंकि अब्बा कल मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि मैं फ्रूट्स खाती नहीं हूँ घर में, सभी का सबको डेफिनेटली सबके लिए लेके आए थे। फ्रूट्स आते हैं सादिया खाने से पहले खत्म होते, सादिया खाती नहीं कुछ। मतलब यहाँ पे हमारे घर में माशाल्लाह सब बहुत शौक से फ्रूट खाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बस फ्रूट देखती हूँ और फ्रूट खत्म, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता, तो इसलिए ऐसा नहीं है मुझे कोई देता नहीं है फ्रूट खाने के लिए। तो ये ना बेर और ये ना केले वगैरह, ड्रैगन फ्रूट, ऑरेंज, तो अभी ना बोला है खाओ, ज़रूर खाओ, तो इसलिए बस मैं बता रही हूँ कि कमरे में बस फ्रूट रख दिया है। कभी कभी आपको दिखेगी बड़े बड़े बास्केट, तो परेशान ना हो जाना साथी के कमरे में चीज़ें भरे जा रही है, भरे जा रही है। और यार मेरी जो कैमरा है ना वो बहुत ही मतलब डर्टी हो गई है, धूल मिट्टी ना वो चिपक गई है पता नहीं कैसे, तो मुझे ना पूरी कैमरा को भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। लेंस तो साफ ही है लेकिन ये जो एरिया है ना यहाँ पे मतलब मिट्टी है बहुत, क्या क्या है पता नहीं। चलो साफ हो गई। हमारे घर में भी पूरी और हलवा खा रहे हैं शबे बारात के दिन। बाबा अस्सलाम वालेकुम, गुनाह की माफी, बख्शीश, रोजी, रिज़्क में बरकत लाए, दुआओं कयो। हाँ और ये जलेबियाँ भी आई है हमारे घर पे, मीठा इस दिन मीठा बनाते हैं ना, तो इसलिए हलवा पूरी जलेबियाँ, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ। तो यार जो पाकिस्तानी फैमिली है ना इधर रहती है उन, वो हमेशा मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो मुझे ना आज शबे बारात है, तो आज फिर से उन लोगों ने ना बहुत मज़े का खाना भेजा है,
तो थैंक यू सो मच, अल्लाह उनको खुश रखे, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करना आप लोग, मैं भी दुआएं करूंगी। तो ये रहा खाना, अब्बा ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे है ये छोले, मेरे घर पे भी बने थे ना हलवा पूरी, तो ये छोले फिर ये पूरियाँ। माशाल्लाह यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इस डब्बे के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक किस्म का हलवा है, बादाम डले हुए। और इस डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर भी मिठाई, वो बांग्लादेशी मिठाई होगी शायद, या फिर घर पे बनाई हुई होगी, पता नहीं। लेकिन अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तो अब्बा ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, अभी मैं टेस्ट करती हूँ, फिर सारे घर वाले भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्जी ले रही हूँ, छोला पूरी। अभी अभी मेरी अम्मी ने कॉल की थी ना, तो दिखा रही थी ये सब कुछ। और ये हम लेंगे हलवा, माशाल्लाह। तो अभी मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, सबसे पहले मीठे के साथ खाऊं या स्पाइसी के साथ खाऊं, चलो चने ही खाते हैं सबसे पहले। ये सबसे पहले मैं ना आप लोगों को खिलाऊंगी, तो इधर आ जाइए, इधर आइए। ये फोकस हुआ, तो ये आप सब मुंह खोलिए, शबे बारात मुबारक हो सबको, बहुत मजे का टेस्टी। अभी खिलाऊंगी मैं इमोन को, इधर आ इमोन। मीठा दिखा के देखो, मीठा भी अच्छा लगा, बहुत मजे का यार। अभी मैं बस खाऊंगी पीऊंगी, फिर थोड़ी देर के बाद ईशा की नमाज पढ़ेंगी और फिर मैं अपनी इबादत शुरू कर दूंगी। तो अभी मैं ना डिनर सेट कर लूँ, फिर जाऊंगी ऊपर, तो डिनर कर लूंगी ना, फिर उसके बाद ही हम लोग रात की इबादत अपना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना टोमेटो की चटनी जो है ना वो पकने के लिए रख दी है, बस टोमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और पराठे जो उस दिन मंगाए थे ना वही खाएंगे हम सब, तो इसलिए पराठे ना इधर बस फ्राई कर दूँगी। المسلمين فقتل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم यार। बस मैंने नमाज़ पढ़ ली, दुआएं मांगी, और अल्लाह आप सबको भी बहुत खुश रखे जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तब से देख रहे हैं, तो वो मतलब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे आइडिया हो जाता है कौन है। और कुछ लोग हैं जो कमेंट्स भी नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कई सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत शुक्रिया, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबको। और बाकी अल्लाह बस हमें, हम सबको माफ़ करे, हमारे गुनाह की माफ़ी मांगी आज, और मगफरत की रात है आज। और बस अपना आप बहुत सारा ख्याल रखना, ऐसे ही सोऊंगी आज मैं रात रात को, मतलब ऐसे इशा का टाइम तो वैसे डिफरेंट होता है, लेकिन अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, और इस टाइम नमाज़ पढ़ के सोने का एक सुकून फील हो रहा है मुझे कि आज बस सुकून की नींद आएगी। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, देखते रहो फैमिली व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुदा हाफिज़, बाय बाय।